तो देख सकते हो फ्रेंड इस फैन काम नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका बैटरी भी देख सकते हो, तो ये फैन काम नहीं कर रहे, तो चलते फटाफट इस फैन को खोल लेते हैं। तो चलते फ्रेंड फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो बहुत दिन से इस फैन को मैं यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए इसका अंदर धूल मिट्टी देख सकते हो आप लोग। तो चलते हैं, ये हमारा फैन, पहले इसका मोटर को चेक कर लेते हैं। पहले हमारा एक ऐसे डिजिटल मशीन होना चाहिए आप लोगों के पास, तो चलिए को देख लेते। तो देख सकते हो फ्रेंड इसका मोटर अच्छी है। चलते इसका बैटरी का कनेक्शन देखते हैं। प्रॉब्लम इसका बैटरी कनेक्शन के, देख सकते हो इधर पे एक छोटा सा सॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए लाइट ब्लिंक हो रहा है देख सकते हो। हाँ हाँ, इधर पे एक प्रॉब्लम है, ये पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए फैन काम नहीं कर रहे देख सकते हो। इसके अंदर बैटरी भी नहीं है देख सकते हो, बिल्कुल इधर पे देख सकते हो। तो इधर पे एक छोटा सा सर्किट हो गया है, एक छोटा सा प्रॉब्लम था तो हो गया है। तो चलते हैं फटाफट इसका कनेक्शन दे के देखते हैं फैन कैसे काम करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, पहले फ्रेंड देख सकते हो इधर पे लाइट बिलिंग हो रहा है, तो देख सकते हो इसके अंदर जो शॉर्ट था वो मैंने कर दिया। तो देख सकते हो इधर से फैन भी चल रहे, बट थोड़ा सावधान रहे क्योंकि इस वायर को इधर से हटाना पड़ेगा। तो पहले इस वायर को इधर से थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा, किस तरह से फिटिंग। देख सकते हो बिल्कुल नया जैसे हो गया, तो चलते इसको फिटिंग कर लेते। फिटिंग करने के बाद देखते तो देख सकते हैं हमारा लिथियम आयन का बैटरी अच्छे से फटाफट इसको लगा देते हैं। तो बिल्कुल नया जैसा हो गया है फैन, तो अभी देख सकते हो तीन मोड भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय, फिर मिलते हैं अगले महीने।